और प्रिवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे? आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस का ये हमारा वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें पूरा चैप्टर को रिवीजन कर लेंगे, चाहे वो हमारा न्यूट्रिशन हो, चाहे वो हमारा डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे ट्रांसपिरेशन हो, और चाहे फिर हमारा एक्सक्रेशन हो। सारे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, फिर वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का पेपर में रहने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेस है क्या? मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट को आप तभी कह सकते हो कि वो लिविंग है अगर वो मूव करे या रेस्ट में हो या फिर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करता रहे कुछ ना कुछ, तभी जाके हम कहेंगे कि वो हमारी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा, अपनी लाइफ को मेंटेन करके चलेगा। इसको हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो परफॉर्म करे फंक्शन को मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इसको हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। तो एक प्रोसेस है, टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जिसको हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट, आगे बात आती है कि न्यूट्रिशन, यहाँ पर जो हमारे कंप्लीट करेंगे कौन कौन से वो होंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, उसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, उसके बाद देखेंगे सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन आर एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ पे एसेंशियल लाइफ प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बात करें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन और ट्रांसपिरेशन। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं। इससे ये पता चलेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो कौन कौन से स्टेप को वो कंप्लीट करे। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इतने स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, लिखा है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऑल दीज प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय द सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे फंक्शन एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं, जैसे बात करें बैक्टीरियम। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेस। और जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनका एक अलग से सिस्टम होगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से। लेकिन जो भी यूनिसेलुलर होंगे तो वो सिंगल सेल में ही सारे फंक्शन को परफॉर्म कर लेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो भोजन की जरूरत पड़ती है उसको हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। देयर आर टू मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाए, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो, उनको हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं ना बनाएं उनको हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बात आती है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ टाइप। तो हमारे यहाँ पर जो टाइप्स होंगे वो क्या होंगे? सब टाइप, जैसे कि होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? क्या पढ़ेंगे? इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इट्सेल्फ बाय मेकिंग इट्स ऑन फूड यूजिंग सनलाइट
और केमिकल इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाए, किसके द्वारा, सनलाइट के द्वारा या फिर केमिकल के द्वारा, उनको हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल की बात कर लें तो हो गया यहाँ पर जैसे कि प्लांट, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट का प्रयोग करता है, इसको हम पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केवल और केवल केमिकल का प्रयोग करते हैं टू ड्राइव एनर्जी, इसको हम पढ़ेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफ केमिकल का प्रयोग करें, फोटो ऑटोट्रॉफ लाइट का प्रयोग करें। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म। तो एक फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड ऑब्टेन होता है प्लांट के अंदर। द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्फ। तो प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसका प्रयोग करके, सनलाइट का प्रयोग करके और पानी का प्रयोग करके। उसके बाद जो ये किस तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट ग्रीन पार्ट एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कहाँ पर, जो भी ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का, जो क्या करेगा, ए लाइट एनर्जी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा। दिस लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये लाइट एनर्जी क्या करेगी, जो भी वाटर इसने एब्जॉर्ब करा है उसको स्प्लिट करा देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस, और हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, टाइपिकली ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या होगा, ग्लूकोज। तो लिखा है यहाँ पर सनलाइट, सनलाइट क्या हुई, वाटर को स्प्लिट कराया, कार्बन डाइऑक्साइड में मिला कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आपस में स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे ग्लूकोज या शुगर का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्सीजन अलग से निकल गई। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो गई वो फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू फैसिलेट इन टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है वो स्टोमेटल पोर के द्वारा करेगा। तो लीव्स में स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गैसेस का एक्सचेंज होगा। स्टोमेटा, अब ये स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा क्या है, पोर्स होते हैं लीफ में जिसके द्वारा गैस में एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, ये लीफ के अंडर साइड पार्ट में पाया जाता है। ईच स्टोमेटा ईच स्टोमा इज गार्ड बाई गार्ड सेल, हर एक स्टोमेटा क्या करेगा, एक गार्ड सेल के द्वारा सुरक्षित रहता है, विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर, जो कंट्रोल करेगा ओपनिंग और क्लोजिंग किसका, पोर्स का। अब किस तरह से ओपनिंग होती है, किस तरह से क्लोजिंग होती है, तो ये रहा स्टोमेटा। किडनी शेप का जो शेप है इसको हम पढ़ते हैं स्टोमेटा। यहाँ पर जब पानी स्प्लिट हो बाहर की तरफ निकले पानी, तो पानी जो गार्ड सेल से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अगर मान के चलो पानी हमारा इसके अंदर जाए तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी, जिसकी तरह से हो जाएगा क्या, ओपनिंग किसकी, स्टोमेटा की। अब बात आती है सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो जो भी सड़े गड़े या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनके जिनको वो क्या करें, खाने में प्रयोग करें, उसको हम पढ़ेंगे सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन।
द फूड इज पार्शली डाइजेस्टिव आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट एब्जॉर्ब दैट इज फंगाई आर सेप्रोफिट। तो यहाँ पर फंगाई की अगर बात करें, फंगाई एक एग्जाम्पल हो गया सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन का। जो डाइजेस्टिव फूड है, पार्शली डाइजेस्टिव जो हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया है उसको डाइजेस्ट करेगा, तो उसको हम पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनोदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न कॉजिंग इट हार्म, दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे बात करें, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनोदर ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके ऊपर जब अटैक कर जाए किसी प्लांट या किसी बॉडी के ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अटैक कर जाए और अपना भोजन बनाने लगे, उसको हम पढ़ेंगे क्या? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी, ये क्या करते हैं? या तो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर। जैसे कचकटा अमरवेल की बात करते हैं, तो अमरवेल क्या करता है? जैसे अमरवेल पड़ा हुआ है, ये अमरवेल क्या करता है? पेड़ के ऊपर अपना भोजन बनाता रहता है, बाद में धीरे धीरे क्या होता है? पेड़ खत्म हो जाता है। तो दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ ए होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव द न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट। और जो होस्ट होगा वो क्या होगा? जिससे वो भोजन प्राप्त करे उसको हम पढ़ेंगे होस्ट। लीच इज एन एक्टोपैरासाइट फाइल, एस्क्रीज इज एन एंडोपैरासाइट, कसकटा इज ए पैरासिटिक प्लांट। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा? जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? फूड को डायरेक्टली डाइजेस्ट कर लेगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बर्ड हो गया, फिश हो गया, ह्यूमन हो गया। तो ह्यूमन भी एक एग्जाम्पल है किसका? होलोजोइक न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन अमीबा में किस तरह से होता है? अमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहली बात, अमीबा जो न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा वो न्यूट्रिशन का टाइप होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट एंगफुल द फूड पार्टिकल यूजिंग सीडोपोडिया, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये क्या करता है? इसके पास कोई भी पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता है फूड को इनटेक करने के लिए, तो ये क्या बनाता है? एक टेम्परेरी माउथ बना लेगा जिसको पढ़ेंगे सीडोपोडिया। द एंगफुल फूड गेट इनक्लोज इन ए फूड वैक्यूल, उसके बाद जो फूड है कहाँ पहुँचेगा? फूड वैक्यूल के अंदर पहुँचेगा। अब फूड वैक्यूल के अंदर के पास पहुंचने के बाद यहाँ पर क्या होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद वो किसी भी बॉडी से, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन, उसके बाद इगेशन, बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाल देगा। लिखा है एज द फूड वैक्यूल पासिस थ्रू द साइटोप्लाज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर ये सारे प्रोसेस होंगे, जैसे कि डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम पढ़ेंगे इगेशन। न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन आर ओमनिवोरस, दे कैन ईट प्लांट बेस्ड ऑन फूड एज वेल एज एनिमल वेस्ट फूड। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन एनिमल की बात करें या फिर ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन हर तरह के भोजन को खा लेगा, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो चाहे वो प्लांट वेस्ट हो। अब यहाँ प्लांट वेस्ट, जैसे कि फल हो गया, ठीक है, बीज हो गया। बींग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन हैव ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। वेरी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसका जो न्यूट्रिशन सिस्टम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरह से? द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड बेस्ट टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी।
अब यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल है जिससे सारे पार्ट डाइजेशन के जुड़े हुए हैं। इसकी आगे बात करते हैं, यहाँ भी सारे स्टेप होंगे, जैसे कि हो गया फोर स्टोरेज, दैट इज इंजेशन, फूड को टेक इन करना, डाइजेशन डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करना, इगेशन बॉडी से बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्री कैनाल से होंगी। और सारे के सारे जो पार्ट होंगे, जैसे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट होंगे। एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द होल बॉडी, और एसिमिलेशन पूरी बॉडी में होगा क्योंकि एनर्जी है या फिर जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो हर एक सेल तक बॉडी के अंदर पहुंचना चाहिए। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से होंगे? एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन इज ए लॉन्ग ट्यूब, इट स्टार्ट विद अ माउथ, ये माउथ से स्टार्ट होती है एंड एंड विद अ एनस। उसके बाद क्या होगा? ओसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ तक आ जाएगी? एनस तक। ये पूरा का पूरा एक जो क्या कैनाल होगी जिसको हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ओसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट किसके होंगे? एलिमेंट्री कैनाल के। इन स्टमक, स्टमक में माउथ, इन माउथ सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करेंगे। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द टीथ एंड मिक्स विद सलाइवा फ्रॉम द सेलिवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर जो बात आती है कि सेलिवरी ग्लैंड, तो सेलिवरी ग्लैंड कहाँ पर पाई जाएगी? माउथ में पाई जाएगी। अब माउथ से एक निकलेगा जूस जिसका नाम होगा सलाइवा, ये फूड के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सेलिवरी अमाइलेज, जिसके अंदर क्या होगा? सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम जो कन्वर्ट करेगा स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में। देन द फूड पासिस थ्रू द ओसियोफेगस इन टू स्टमक। अब क्या होगा? माउथ से लेके फूड पहले माउथ में था, अब माउथ से कहाँ जाएगा? स्टमक में। तो माउथ और स्टमक के बीच में जो फूड पाइप पड़ेगी उसको हम पढ़ते हैं ओसियोफेगस फूड पाइप। अगर फूड पार्टिकल माउथ से स्टमक में जाएगा तो यहाँ पर एक मूवमेंट होगा जिसको हम पढ़ेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अब बात आती है स्टमक की कि स्टमक में क्या होगा। तो स्टमक में एक ग्लैंड होती है जिसको हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ हमारे गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं जैसे कि पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस। तो तीन हमारे गैस्ट्रिक जूस हैं, इनको ध्यान रखना, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीएच इज 1.5 to 2.5। ये क्यों है? क्योंकि ये इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू क्या है? लेस देन 7। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द फूड एसिडिक या फिर मीडियम एसिडिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होगा मीडियम को एसिडिक बनाना एंड हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, और जो पेप्सिन एंजाइम होगा उसको एक्टिवेट कराना। पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन का काम होगा ब्रेक डाउन करना किसका? प्रोटीन का। तो इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कौन करेगा या फिर कहाँ पर होगा? स्टमक में। इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पर होगा? स्टमक में, जो किसके द्वारा कराया जाएगा? पेप्सिन के द्वारा। म्यूकस क्या काम होगा? म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। तो जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे खराब होने से बचाएगा स्टमक की इनर लाइनिंग को। देन द फूड पासिस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या हुआ? फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा कहाँ से? स्टमक से, थ्रू पाइलोरिक स्पिंकर। तो पाइलोरिक स्पिंकर का नाम है
जो कनेक्ट कनेक्ट करेगा स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो पार्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे पाइलोरिक स्पिंकर। अब यहाँ पर बात आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस इज लॉन्गर। पहली बात यह है बच्चों कि यहाँ पर स्मॉल वर्ड लगा हुआ है, तो स्मॉल का मतलब ये वो स्मॉल नहीं है कि इंटेस्टाइन का साइज छोटा हो, साइज यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है, लेकिन नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होगा हर्बीवोरस में ज़्यादा होता है और जो कार्निवोरस होते हैं उसमें कम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इन कार्निवोरस से शॉर्टन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों जो हर्बीवोरस होते हैं वो खाने के लिए प्रयोग करते हैं ग्रीन का, ग्रीन प्लांट का, और ग्रीन प्लांट के अंदर होती है क्या, सेलुलोज, और उसको डाइजेस्ट करना क्या होता है, कठिन होता है, या कहें तो ज़्यादा टाइम्स के बाद वो डाइजेस्ट होगा, इसलिए क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है हर्बीवोरस में, और कार्निवोरस के अंदर क्या होता है, कम। द फूड इज मिक्स विद वाइल, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग पहुँच चुके हैं। द फूड इज मिक्सड विद द वाइल फ्रॉम लीवर एंड द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास। तो यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकलेंगे और कुछ वाइल जूस निकलेंगे। वाइल ब्रेक डाउन फैट इन टू स्मॉलर ग्लोबल्स। बाइल क्या करेगा, फैट को ब्रेक करेगा स्मॉल ग्लोबल में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब यहाँ पर फाइनल डाइजेशन होगा। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पेनक्रियाटिक जूस क्या होगा, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को और लाइपेज करेगा फैट को। तो लाइपेज या फिर कहें तो फैट का फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, जो किसके द्वारा कराया जाएगा, लाइपेज के द्वारा। और ट्रिप्सिन करेगा ब्रेक डाउन किसका, प्रोटीन का, कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में द ग्लैंड ऑफ वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेंशियल जूस। द एंजाइम ऑफ इंटेंशनल जूस कवर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल एंड प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। तो जब फाइनल प्रोडक्ट बनती हैं तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद बनाती है अमीनो एसिड, और फैट बनाती है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरोल, और वही कार्बोहाइड्रेट जो बनाएगा वो बनाएगा ग्लूकोज। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कहेंगे बिलाई, जो क्या होगा ब्लड वेसल के कनेक्ट होगा। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम पढ़ते हैं बिलाई, इसका काम क्या होगा, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करके हर एक सेल तक पहुंचाना पूरी बॉडी में। इट हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। तो बिलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके द्वारा इस तरह सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, अब जो डाइजेस्ट फूड हो चुका है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी बॉडी में वो फैल जाएगा, जिसके द्वारा क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल सेल इन द बॉडी, अब पूरी बॉडी में वो फैल जाएगा। अनडाइजेस्टिव फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो भी अनडाइजेस्टिव फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टिव फूड ही पहुंचेगा। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, ज़्यादातर क्या होगा, पानी लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाता है, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। द वेस्ट मटेरियल इज स्टोर इन रेक्टम, और वेस्ट मटेरियल कहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, रेक्टम में, लेटर रिमूव थ्रू द एनस, उसके बाद एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। द मूवमेंट इज रेगुलेटेड बाई एनल स्पिंक्टर, यहाँ पर जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा,
एनल स्पंक्टर जो कनेक्ट करेगा एनस को लार्ज इंटेस्टाइन से। तो लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के बीच का जो कनेक्शन होगा उसको हम पढ़ेंगे एनल स्पंक्टर। द फूड इज टेकन ड्यूरिंग न्यूट्रिशन यूज टू प्रोवाइड एनर्जी टू वेरियस लाइफ प्रोसेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट रिसीव देयर एनर्जी रिक्वायर फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रेस्पायरेशन। अब यहाँ पर बात आती है रेस्पायरेशन की। तो रेस्पायरेशन एक हमारा फिजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ब्रेक करेगा फूड जो गया है उसको, और जिससे क्या होगी कुछ गैस हमारी बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर जो गैस बाहर निकलेगी उसको हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, और जो एनर्जी मिलेगी वो रेस्पायरेशन के थ्रू ही मिलेगी। तो रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल। यहाँ पर रेस्पायरेशन क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगी फूड मटेरियल में, उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी और पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ये किसके द्वारा होगा? रेस्पायरेशन के द्वारा। रेस्पायरेशन होगा कैसे? सबसे पहले क्या करोगे, नेसल कैविटी से अंदर लोगे गैस को ऑक्सीजन को, उसके बाद ये ट्रेचिया से फेरिंग्स लेरिंग्स और ट्रेचिया से होती हुई लंग्स तक पहुँचेगी। लंग्स के बाद ब्रोंचाई, उसके बाद एल्वोली, है ना, यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? रेस्पायरेशन। और सारा का सारा क्या होगा? यहाँ पर कनेक्शन होगा ब्लड वेसल का, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आता रहेगा और ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई होती रहेगी। सेलुलर रेस्पायरेशन, सम ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन जिसको हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन दो तरह के होंगे, एक होगा एरोबिक रेस्पायरेशन, एक होगा एन एरोबिक रेस्पायरेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का प्रयोग करें उसको हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन, और जो ऑक्सीजन का प्रयोग ना करें उनको हम पढ़ेंगे एन एरोबिक रेस्पायरेशन। ऑर्गेनिज्म यूज वेरियस मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बहुत सारे मेथड को अपनाते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरूविक एसिड। सबसे पहले क्या होगा? जो ग्लूकोज है वो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये वाला प्रोसेस कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। सबसे पहली बात ये कि ग्लूकोज जो रहेगा वो पाइरूविक में पहले कन्वर्ट होगा। अब पाइरूविक के पास कितने मॉलिक्यूल रहेंगे कार्बन के? तीन। अब क्या होगा? अगर माने चलो कोई भी रेस्पायरेशन हो रहा है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इन ईस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म द पाइरूविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। नो ऑक्सीजन इज यूज्ड, सो कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पायरेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस में कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं क्या? एन एरोबिक रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले पाइरूविक में कन्वर्ट हुआ होगा तीन कार्बन के मॉलिक्यूल में, उसके बाद बना क्या? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर 2 ATP जो क्या होगी? एनर्जी की यूनिट बनेगी ATP, ठीक है? तो 2 ATP की एनर्जी को बाहर निकालेगा। एरोबिक रेस्पायरेशन, द पाइरूवेट ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला प्रोसेस कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जैसे कि ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर जो अपना रेस्पायरेशन कंप्लीट करेगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लिखा है ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन मिला दी
उसके बाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, वाटर 6H2O, और एनर्जी कितनी है 36 ATP। तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी आ गई। द एरोबिक रेस्पायरेशन रिलीज 36 ATP मॉलिक्यूल एज एनर्जी, वाइल एंड एरोबिक रेस्पायरेशन रिलीज 2 ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो एक अगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है तो वहाँ से 36 ATP एनर्जी निकलेगी, कहाँ, एरोबिक के केस में, और एन एरोबिक के केस में निकलेगी 2 ATP की एनर्जी। क्लियर। अब आता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, वी आर डूइंग कंटिन्यूस हार्ड वर्क, जब कोई हार्ड वर्क लगातार करते रहो, कॉज पेन इन द मसल लेटर, थोड़े समय के बाद मसल में दर्द होने लगता है। यह दर्द क्यों होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल कॉज क्रैम्प। तो ये एक्यूमुलेट होता रहेगा क्या, किसका, लैक्टिक एसिड का। ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड 3-कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो यहाँ पर जो पाइरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल्स में पेन होता है। द ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन यूज फॉर अदर एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द सेल। ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ATP मॉलिक्यूल कब प्रोड्यूस होगा, जब रेस्पायरेशन होगा, यूज फॉर अदर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो भी सेल है क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एरोबिक रेस्पायरेशन इंश्योर सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन में सफिशियंट सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन की। हायर एनिमल हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम टू सप्लाई ऑक्सीजन। तो जो भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल, उनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से होता है अपना खुद का, लेकिन जो छोटे छोटे एनिमल हैं उनके पास खुद का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। अगर हम प्लांट रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट नॉट हैविंग प्रॉपर ऑर्गन, उसके पास कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, मोस्ट सेल कॉन्टेक्ट विद एयर। यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस कुछ है और ज़्यादातर स्पेस कहाँ के, किसके कॉन्टेक्ट में है, एयर के। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है प्लांट के केस में। लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल, अब प्लांट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल, जैसे कि लेंटिकल स्टेम में, स्टोमेटा लीम में, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन, नाइट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव में होता है, लेंटिकल कहाँ होते हैं, स्टेम में होते हैं। तो लेंटिकल जो हल्के हल्के आप छेद देखते हो ना स्टेम में, उसको हम पढ़ते हैं लेंटिकल्स। अब एनिमल की बात करें तो एनिमल इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए अलग अलग क्या है, ऑर्गन है, जैसे कि अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्पोंगस, कोलेंट्रेटा, फ्लैट वॉर्म, ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करते हैं। अर्थवॉर्म, मॉइस्ट, क्यूटाइकल, इंसेक्ट, ट्रेचियल सिस्टम, एक्वाटिक एनिमल, गिल्स के थ्रू, स्पाइडर, बुक लंग्स के थ्रू, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, लंग्स के थ्रू। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन दे रखे हैं, आविदा दे रखे हैं ऑर्गेनिज्म। बात आती है एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल यूज ऑक्सीजन रिजॉल्व इन वाटर। जो भी एक्वाटिक एनिमल हैं जो पानी के अंदर जीवित रहते हैं जीव, उनको जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो जो भी ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होती है वो वाली ऑक्सीजन को वो प्रयोग करते हैं। एक्वाटिक एनिमल ब्रीद फास्टर, एक्वाटिक एनिमल क्या करते हैं, अपना ब्रीदिंग प्रोसेस को फास्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है,
लेकिन पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लो इन वाटर कंपेयर टू एयर। तो एयर की अगर कंपेयर करें वाटर के अंदर तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है उनको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मैक्सिमम सरफेस एरिया थिन सरफेस मॉइस्ट प्लेस इनसाइड द बॉडी। इन ह्यूमन द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज डन थ्रू नॉस्ट्रिल। अगर ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन इनटेक करी जाती है वो नॉस्ट्रिल की थ्रू इनटेक करी जाती है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाई फाइन हेयर्स। और नथना के अंदर नॉस्ट्रिल के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं दैट लाइन द पैसेज द म्यूकस लाइनिंग बार्म द एयर। और एयर को म्यूकस क्या करता है बार्म करता है गर्म करता है। तो म्यूकस जो हल्का सा लिक्विड होता है नाक के अंदर नॉस्ट्रिल के अंदर उसको हम पढ़ेंगे म्यूकस। द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। अब क्या करेगी एयर नॉस्ट्रिल से कहाँ पहुँचेगी लंग्स में पहुँचेगी। तो नॉट से कहाँ पहुँचेगी लंग्स में और ये किसके थ्रू पास करेगी रिंग कार्टिलेज जो कि थ्रोट में प्रेजेंट होती है जो क्या करेगी दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कॉलेप्स। यहाँ पर एयर क्या करेगी कॉलेप्स नहीं करेगी जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत सांस लेने में नहीं आएगी। इनसाइड द लंग द पैसेज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। अंदर की तरफ लंग के अंदर पहुँचे तो ये छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड होती रहती है विच फाइनली टर्मिनेट इन लाइक वैल्यू लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वोली। अब फाइनली जाके वो एक वैल्यू टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम पढ़ेंगे एल्वोलाई। द एल्वोलाई प्रोवाइड ए सरफेस एरिया सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो ये सरफेस एरिया को क्या करता है कम कर लेता है और बड़ा भी लेगा जिसके द्वारा क्या है ऑक्सीजन ज़्यादा सक हो सके। द वॉल ऑफ द एल्वोलाई कंटेन ए एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल। और इसका जो कनेक्शन है ये देखा है आपको दिख रहा है इसका जो कनेक्शन किससे होता है ब्लड वेसल से होता है जिससे क्या होगा ब्लड वेसल जितना भी ब्लड है डी ऑक्सीजनेटेड यहाँ से फिल्टर होके वापस बॉडी को चलता रहे। वेन वी ब्रीथ जब भी सांस लेते हैं वी लिफ्ट अवर रिब्स और रिब्स को जब ऊपर उठाते हैं एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज ए रिजल्ट। और चेस्ट कैविटी कैसी हो जाती है लार्ज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एयर सक इन टू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंड एल्वोलाई। तो जैसे इसको ऊपर बढ़ाओगे सांस लोगे तो जो ये डायफ्राम है कैसा हो जाएगा फ्लैट और जैसे सांस को छोड़ोगे वैसे क्या हो जाएगा इस तरह से। सांस को लेना इनहेलेशन पढ़ते हैं और सांस को छोड़ना एक्सहेलेशन पढ़ेंगे। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी इन टू द लंग्स। ब्लड क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लेके आएगा कहाँ तक लंग्स तक एंड ऑक्सीजन इन द एल्वोलर एयर इज टेकन अप द टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वोलर ब्लड वेसल टू द ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द सेल इन द बॉडी। और उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी में वो फैल जाएगा। ड्यूरिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग के दौरान लंग्स ऑलवेज कीप ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो सफिशियंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहाँ पर क्या है सफिशियंट टाइम होना चाहिए। सफिशियंट टाइम का मतलब गैस का जब एक्सचेंज होगा या जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुला हुआ था उसको कन्वर्ट होने में ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। तो ये टाइम को कम करने के लिए एक पिगमेंट का प्रयोग किया जाता है। ब्लड में पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। तो इन लार्ज एनिमल डिफ्यूजन एलोन नॉट सफिशियंट टू ट्रांसपोर्ट द गैस। तो यहाँ पर डिफ्यूजन ही सफिशियंट नहीं है
क्योंकि डिफ्यूजन बहुत काफ़ी समय में हो पाएगा। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड मेनली बाई डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। ये डिजोल्व फॉर्म में ही क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन। फ्लड मीडियम ऑफ द ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा। फ्लड मीडियम जो होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा। इन विच द सेल आर सस्पेंडेड, जिसमें सेल क्या होती है, सस्पेंडेड होती है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड। प्लाज्मा क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म, जो डिजोल्व फॉर्म में होगी। तो प्लाज्मा लगभग होता है 55%, प्लेटलेट होती है कितनी, 0.01%, और RBC लगभग 41%, और भाई WBC लगभग 4%। RBC कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। RBC का काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करता है, पंप करता है टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल टू रीच ऑल द टिश्यू। तो ये पंपिंग का काम करता है कौन, हार्ट। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर, हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर होते हैं, टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो क्या करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करना इसका काम है, किसका, हार्ट का, चैम्बर का। टू स्मॉल अपर चैम्बर जिसको हम पढ़ेंगे एट्रिया, लार्ज चैम्बर डाउन जिसको हम पढ़ते हैं वेंट्रिकल। तो नीचे वालों को पढ़ेंगे हम वेंट्रिकल, ऊपर वालों को पढ़ेंगे एट्रिया, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड शुड रीच टू द लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिला होता है ब्लड में वो लंग्स तक पहुंचना चाहिए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां तक पहुंचना चाहिए, पूरी बॉडी तक। डबल सर्कुलेशन, द पैसेज ऑफ सेम ब्लड ट्वाइस थ्रू हार्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन साइकिल। पल्मोनरी सर्कुलेशन, जैसे लिखा है द पैसेज ऑफ सेम ब्लड, एक ही ब्लड दो बारी अपना दो बारी क्या करे, हार्ट तक जाए, तो इसको हम पढ़ेंगे एक साइकिल, तो इसको हम पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, द ब्लड पंप बाई राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू लंग। तो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक ब्लड एक बारी जाए, जिसको हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। CO2 इज एक्सचेंज विद O2 एंड रिटर्न बैक टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। इसका डायग्राम नीचे बना हुआ है, ये यहाँ से जरा समझो। सबसे पहले मान के चलो बॉडी ऑर्गन है, तो बॉडी ऑर्गन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जो मेन वेन के थ्रू आएगा, कहाँ तक, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से निकलता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक पहुंचेगा, और लंग्स के बाद यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद मेन आर्टरी के थ्रू कहाँ, बॉडी ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। तो ये पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको पढ़ लेना। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू aorta, जो हमने बता चुके हैं, ये फ्लो चार्ट पूरा पढ़ लेना। ठीक है, अब आती है सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। तो क्लोज सर्कुलेशन क्या है, ब्लड पास थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो ब्लड जब पास थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। इंसेक्ट एंड मोलस्क लार्ज वेसल ओपन टू साइन यूज टू चैम्बर, दो चैम्बर के अंदर होते हैं, वन एट्रियम वन वेंट्रिकल सिंगल सर्कुलेशन। तो मछली की अगर बात करें, फिश की बात करें, तो फिश के अंदर होता है दो चैम्बर,
तब दो चैम्बर होंगे तो सिंगल सर्कुलेशन करेगा, डबल सर्कुलेशन नहीं करेगा। तो कौन कौन करता है डबल सर्कुलेशन, कौन करेगा सिंगल सर्कुलेशन? जैसे कि एम्फीबियंस हो गया रे एंड रेप्टाइल, इसके तीन चैम्बर होते हैं, टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल, तो ये पार्शियल डबल सर्कुलेशन करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, पार्शली करते हैं। वेन का काम क्या होता है? वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। और ये सारा का सारा जो ब्लड हमारा एब्जर्व होता है या ट्रांसपोर्ट होता है वो कैपिलरीज के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा। ड्यूरिंग कट, जब भी आप कट जाती हो, कट लग जाता है तो क्या होता है? ड्यूरिंग कट ए ब्लड ड्यूरिंग कट ब्लड में कम आउट बट स्टॉप आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़े समय के बाद वो रुक जाता है। लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर, अफेक्ट प्लम्बिंग टू वेटल ऑर्गन, प्लेटलेट सेल ऑफ द ब्लड हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट ऑफ इंजरी। तो यहाँ पर अगर प्लेटलेट की मात्रा कम है तो ये वाली संभावना आपको देखने को मिलेगी, अगर प्लेटलेट नहीं है तो ये खून लगातार बहता रहेगा। आती है लिम्स, ए येलोज फ्लड एस्केप फ्रॉम द ब्लड ए कैपिली इन टू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रॉय जर्म। तो लिम्फ का काम होता है कि जर्म को ख़त्म कर देना। अब आती बात ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर न्यूट्रिएंट एंड फूड प्रोड्यूस बाय लीफ। तो जितना भी भोजन वगैरह है, पानी वगैरह है, इसको ट्रांसपोर्ट कराना पूरी बॉडी में, मूवमेंट में क्रॉस मेम्ब्रेन विद लिविंग सिस्टम। हाउ प्लांट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू ग्रेटर हाइट, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर एक ट्रांसलोकेशन होगा जिसके थ्रू द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल। जाइलम फ्लोएम, दो टिश्यू के नाम में, एक है जाइलम एक है फ्लोएम। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, इनके बारे में पढ़ लो। कैरियर वाटर मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जाइलम का काम होगा कैरी करना वाटर एंड मिनरल को रूट से अदर पार्ट, प्लांट के अदर पार्ट तक। फ्लोएम का काम होता है कैरी करना फोटोसिंथेसिस, कहें तो लीफ ने जितना भोजन बनाया है वो पूरी बॉडी में फैल जाना। यहाँ पर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यहाँ पर एनर्जी यूज फ्रॉम ईटीपी। वाटर इंटर इनटू द रूट बाय ऑस्मोसिस, लेटर इंटर इनटू द रूट जाइलम, उसके बाद कहाँ जाएगा, जाइलम टिश्यू के अंदर। जाइलम टिश्यू ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव आर इंटरकनेक्टेड। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है टू फॉर्म ए कॉन्टीन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन इज एक्ट ए सकिंग फोर्स ऑफ एब्जॉर्ब वाटर। तो एक आता ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन का मतलब है जब वो पानी को एब्जॉर्ब करे। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन प्लांट। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, फूड मटेरियल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहाँ पर द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस अमोनियो एसिड। इट डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट फ्रूट एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन। तो ये सारा भोजन जो प्रोवाइड होता है पूरा प्लांट को वो फ्लोएम के द्वारा होता है। सुक्रोज इज ट्रांसफर इन टू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर
of the tissue causing water to move into it. The pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure. Movement source to sink. अब बात आती है excretion. Excretion. The biological process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. तो जो भी harmful material है waste उसको body से बाहर निकालना इसको हम पढ़ते हैं excretion. Excretion in human being consists of a pair of kidney, a pair of uterus, urinary bladder and urethra. तो यहाँ पर जो excretion system है पूरा वो किससे बना होगा, एक pair kidney, एक pair ureter, urinary bladder. तो urinary bladder ये है, urethra ये, इसी तरह से यूरेटर ये, ठीक है, राइट किडनी, इस तरह से किडनी, ठीक है. अब यहाँ पर बात आती है, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमन, वन ऑफ द इधर साइड ऑफ द बैकबोन. यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लेडर वेयर इट इज स्टोर अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा. अब क्या हुआ, यूरिन क्या प्रोड्यूस इन द किडनी, जो पास होगी यूरेटर उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर में इकट्ठी हो जाएगी, वहाँ पर स्टोर रहेगी जब तक वो बाहर ना निकल जाए यूरेथ्रा के थ्रू. नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर एट्सेट्रा रिमूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बाय किडनी. और जो नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा और जो एक्सेस वाटर रहेगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा. उसके बाद किडनी है फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन. किडनी को हम क्या पढ़ते हैं, किडनी के पास यूनिट होंगी, कहें तो सेल्स, जैसे कि न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना था. इसी तरह से जो किडनी है उसकी जो छोटी सेल है उसको हम पढ़ेंगे क्या, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन 1 मिलियन पर किडनी, एक किडनी में 1 मिलियन, ठीक है. नेफ्रॉन हैव थिन वॉल कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरल्स विच आर एसोसिएटेड विद ए कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रोमियन कैप्सूल एंड द लॉन्ग ट्यूब विद टर्मिनेट थ्रोट थ्रू दिस कैप्सूल. द रेनल आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी अलोंग विद नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड मे अदर सब्सटेंस. The blood gets filtered through the glomerulus and the filter enter the tubular part of the nephron. उसके बाद नेफ्रॉन में आएगा तब जाके बॉडी से बाहर होगा. And this filtrate may move down tubular part. Glucose, amino acid, salt and excess of water get selectively reabsorbed by the blood vessel surrounding these tubules. The amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted. अब ये decide करेगा कि कितना absorb करना है, reabsorb करना है और कितना बाहर निकालना है. From the kidney the urine enters to the ureter, later store urinary bladder. तो kidney के बाद कहाँ आएगा, ureter में, उसके बाद ureter bladder में store हो जाएगा. Urine is stored in the ureter bladder until द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लेडर लीड्स टू अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा. तब तक रहेगा जब तक कोई प्रेशर वगैरह ब्लेडर पे ना पड़े. अब आती बात एक्सक्रेशन इन प्लांट. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज एक्सक्रेटेड थ्रू स्टोमेटा और लेंटिकल. ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, ये उसके लिए क्या बनते हैं, वेस्ट मटेरियल बनते हैं जो कि प्लांट से बाहर निकलेंगे. मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर इन ओल्डर सेल्स. अब मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ पर स्टार्ट होता है, स्टोर हो जाते हैं, ओल्डर सेल में, पुरानी सेल में जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जैसे कि ऊपरी की छाल होगी जिसको हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस, ठीक है. ये भी हमारा क्या है, वेस्ट है.
स्टोर इन ओल्डर लीव एंड फॉल्स ऑफ सम प्लांट पम्प थ्रू रूट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ पत्तियाँ हैं पुरानी हो जाती, बाद में झड़ जाती हैं, तो ये भी क्या है, वेस्ट वेस्ट है। ठीक है, तो ये पूरा हमने पढ़ लिया क्या, बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस वन शॉट रिवीजन। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।